बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास एक दिन बचा है, हमारी प्रेपरेशन ओके है, ठीक है, फाइन है, बट ऐसा हम क्या करें हमारा बैंड स्कोर अप हो जाए। तो एक दिन अगर आपके पास बचा है तो ये वाला स्केड्यूल फॉलो कर लो। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ज्यादातर चीजें आपने करी है, बट एक फाइनल टच देने की जरूरत है। बस वो चीज कर लो, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली अप होगा। बिलीव मी और नॉट, आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब आपके स्कोर आए तो आप ऑटोमेटिकली बिलीव करोगे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, यस सर वी फॉलोड दैट पर्टिकुलर स्केड्यूल एंड वी गॉट आवर स्कोर। सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है राइटिंग। तो राइटिंग की तीन चीजें आपने अच्छे से करनी है, इसको ध्यान से समझो। राइटिंग में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई ये है कि हम फॉर्मेट नहीं देखते। कई बार स्टूडेंट एग्जाम दे के आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर ओपिनियन पहले देना था कि बाद में देना है, सर बीपी वन में ये चीज़ करनी है कि बीपी टू में ये चीज़ करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ओपिनियन की बात तो चलो कोई इशू वाली बात नहीं, ये तो सेंटर्स ने अलग अलग ने वो बना रखा हुआ कि भाई इंट्रो में हमने ओपिनियन देना है या कंक्लूजन में, ठीक है, दैट डज नॉट मैटर। ऑल राइट, आपने जो अपना जो फॉर्मेट कर रहे हो दैट इज परफेक्ट। बस आपने थोड़ा सा गो थ्रू होना है, आपने जस्ट और जस्ट ये देखना है कि मैंने अब तक कौन सा फॉर्मेट करा है और उसको याद रखना है, ताकि वहां पे जाके कंफ्यूज ना हो कि भाई आउट वे वाला आ गया, 70-30 जाऊं कि 50-50 जाऊं कि भाई कंप्लीट जाऊं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो। एक बार अपने जो फॉर्मेट्स है ना सभी पर्टिकुलर टाइप के वो रेडी कर लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स का मैंने ऑलरेडी चीज बताई हुई है, मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ न्यू डिंगू करके मैंने चीज बताई थी, बस हाँ एंड में आप एस एड कर लेना, वो मैं भूल गया था उस टाइम पे। इससे क्या होता है कि ए से आपका है ऑल दो, एन से नीदर नॉर, ई से आपका है इधर और, डब्ल्यू से वेदर और, डी से डिस्पाइट, आई से इंस्पाइट ऑफ, एन से नॉट ओनली बट ऑल्सो, जी से जीरंड, यू से अनलेस एंड आपका जो लास्ट है एस, एस से है सिंस। अगर ये चीजें आपको नहीं क्लियर है तो प्लीज आप कभी भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो गिवन नंबर्स पे, ठीक है जी। आपका 1 वीक का सेशन भी मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 वीक वाला हमने लॉन्च करा है रिसेंटली, कि अगर आपका एग्जाम 1 वीक में है और इसमें आपने सारा का सारा गो थ्रू करना है, रीडिंग से लेकर राइटिंग से लेकर एवरीथिंग, इट इज ऑल्सो अवेलेबल। ये स्ट्रक्चर्स तो आपने यूज करने करने हैं भाई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है आइडियाज। जितने आपने क्लास में अभी तक सैंपल्स करे हैं सबके आइडियाज से गो थ्रू जरूर होना। गिन चुन के बहुत कम से टॉपिक हैं आयल्स में, ठीक है, कुछ स्पेस का है, एनवायरमेंट का है, एजुकेशन का है, क्राइम का है, ठीक है जी, इकोनॉमी वाला तो पॉइंट हमेशा ही आ जाता है। तो ये जो टॉपिक्स के आइडियाज आप एक बार कर लो, उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बार बार सोचने में कि हाँ इसका क्या आइडिया हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो आपने 1 डे बिफोर एग्जाम करनी है, आप इसको फॉलो कर लो एक बार। ड्यूरिंग द एग्जाम वाला मैं बताऊंगा, ठीक है जी, विद इन अ डे, कि उसमें आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाए। पहले इस पे थोड़ा फोकस कर लो। नेक्स्ट मॉड्यूल आ जाता है लिसनिंग, ठीक है, राइटिंग के बाद अब लिसनिंग होता है एग्जाम में, एज यू गाइज नो, ठीक है जी। इसमें तीन चीजें करनी है। सबसे पहले चीज लिसनिंग्स, कोई भी लिसनिंग खोल लो, कि कैम्ब्रिज की कैम्ब्रिज बुक 5 टेस्ट 1 टाइप कर लो, यूट्यूब पे जाओ, बिल्कुल एंड में आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। किसी भी भाई बहन को, अपने फ्रेंड को बोल दो कि भाई ये जो आंसर्स में जो टफ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं ना उनको डिक्टेट कर दो। सिंपल काम कर दिया आपके लिए सबसे, ठीक है जी। आपने जाना वहां पे और जो जो वर्ड्स, जैसे अकोमोडेशन वर्ड हो गया, आज मैं जैसे डिक्टेशन करवा रहा था मॉर्निंग बैच में, तो भाई वो चीज़ें क्या है कि बार बार लिसनिंग में आती आती हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड आया था रिसेंटली स्कैंडल जो मैंने करवाया था, प्रिजर्वेशन, तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ऐसे आप 4-5 लिसनिंग्स कर लो, इससे आपका जो स्पेलिंग का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। कम से कम अगर आप 4-5 लिसनिंग करोगे तो 3 से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो उसमें आएंगे ही आएंगे, लिसनिंग में रिपीट होंगे ही होंगे। लिसनिंग में दूसरी चीज़ आपने मैप का देखना है, मैप का सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्शन का देखना, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डायरेक्शन में आपने कैसे कैसे राइट करना है। ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। अब ईस्ट वेस्ट की दिक्कत रहती है, सपोज करो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, 10 जने फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, है ना, वी, जो वी मतलब डब्ल्यू ई, वेस्ट ईस्ट। तो इससे आप याद रखो, वी से पहले डब्ल्यू फिर ई है, ऐसे ही वेस्ट है फिर ईस्ट है। तीसरी चीज भाई अपने माइंड को काम करने के लिए ना एक चीज करो, पॉडकास्ट सुन लो, 20-25 मिनट का होगा, एक YouTube पे कहीं पे भी आप देख सकते हो। अगर नहीं है तो कमेंट कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा, इंग्लिश में है। विद दिस यू विल कम टू नो अ लिटिल बिट अबाउट हाउ दे टॉक। सो कहीं ना कहीं पे
यू आर नॉट ओनली डूइंग लिसनिंग्स बट इसके साथ अगर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ हो जाए एक दिन पहले, तो थोड़ा सा लेवल हमारा और इम्प्रूव हो सकता है। लास्ट में हमारा है रीडिंग, बहुत एक ईजी मॉड्यूल मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी गेम अंडरस्टैंडिंग की है। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि भाई इसका ये शॉर्टकट है, इसका वो शॉर्टकट है। ट्रस्ट मी, अगर किसी को लगता है, किसी को भी लगता है कि ट्रू फॉर्स नॉट गिवन में दैन वाला हमेशा यही होता है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रू फॉर्स नॉट गिवन लाऊंगा जो कि हमारा दिमाग हिला देते हैं, जो कि एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने इम्प्रूव करनी है ना एक दिन पहले, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बोलूंगा भाई, ट्राई टू रिलैक्स एज मच एज यू कैन। जितना आप रिलैक्स हो सकते हो ना उतना बेटर है, क्योंकि एक एथलीट भी अपने जो मेन उसका इवेंट होता है उसके एक दिन पहले रिलैक्स करता है, ताकि उसके सारे के सारे मसल्स काम डाउन हो जाएं। तो वही चीज़ आपने करनी है, यू डोंट नीड टू टच रीडिंग, जस्ट आप रिलैक्स करो अपने माइंड को। ठीक है जी, यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द मेन इवेंट, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको फॉलो करो प्रॉपरली। स्पीकिंग का अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर मैसेज करो, कॉमेंट करो। ठीक है जी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। टिल देन सी या एंड ऑल द बेस्ट।